नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट से लेके चंद्रमा तक चंद्रयान को पहुंचा दिया है। मोदी साहब का अटेंशन अरुणाचल प्रदेश में और पेमा खांडू साहब का अटेंशन दिबांग वैली में, मोपी मिहू का एनएसपीसी में कॉम्पेंसेशन में कोई रोल नहीं है। लोअर दिबांग वैली का हो, अपर दिबांग वैली का हो, ये ईदू समाज कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को फ्यूचर में भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज आनिनी तवांग बोंगदिला वालों कुछ भी नहीं है, ये आनिनी ही आने वाला काल का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एक डिस्ट्रिक्ट होगा। इसलिए होगा, अभी मायूदिया का नीचे से रास्ता आ रहा है, उसके बाद और गंता गट जाएंगे, साथ में आपका मिपी से लेके अंद्रेला तक रास्ता बना रहा है, दम्बेन से दम्बेन में अभी इस बार हम लोग जाके आया 36 किलोमीटर बनाया और अनदर 24-25 किलोमीटर और बॉर्डर की ओर बनेंगे। मैं मालिनी भी पूरा गया हूँ, मालिनी से भी और रास्ता बनाने का हम लोग दिल्ली में भी बोला है कि ये पीस तेल आर्मी मिलिट्री का कहवा कहना ये है कि ये पीस तेल वन है और सागला गांव पीस तेल टू है, जहाँ मैं साइना का साथ हम लोग बीते रहते हैं। अभी साथ में अलोलीबांग साहब का वहाँ से सिंगा से अर्जू तरफ रास्ता आ जाएगा, प्रोंटियर हाईवे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं मोपी और हम लोग कि एलजी को रिवाइव करके नया एलजी बना के पब्लिक सेवा के लिए और मिलिट्री मूवमेंट ये सेवा के लिए भी एलजी को भी हम लोग दम्बेन का एलजी को भी हम लोग इसको रिवाइव करने का बहुत जोर से लग रहा हूँ। तो आपका यहाँ इतना डेवलपमेंट, साथ में ये एसजेबीएन काल में ऑफिसर लोग को मिला हूँ, यहाँ आपका इटली में 3097 मेगावाट दाम बनने जा रहा है और 2000 प्लस लोअर दिबांग वैली में अभी डैम बनने जा रहा है। डैम बनने से मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है गासी मेना, जमाना से हम दोनों का दोस्ती है, अभी भी दोस्ती है। दिबांग वैली प्रोजेक्ट के लिए इन लोग 7 मेंबर कमिटी था, मेरा घर में सार बार काना खिलाया, आपस में झगड़ा भी हुआ उसका साथ मेरा, आप मानना ही होगा, कोर्ट केस को विथड्रॉ करना ही होगा। चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में हम लोग 3 बार मीटिंग हुआ, ऐसे करके मेरा दोस्त ने माना और केस को विथड्रॉ किया। और अभी एनएसपीसी आ रहा है और इसमें मोपी भाई अपना मिसिमी में बात कर रहा था, मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ मिसिमी, मोपी मिहू का एनएसपीसी में कॉम्पेंसेशन में कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा रोल है और अरुणाचल गवर्नमेंट का रोल है। 11 फ्रा मीटर्स का आधार पे दिबांग वैली में जो भी कॉम्पेंसेशन है वो यहाँ भी लागू होगा, सियांग में भी लागू होगा, सुबनसिरी में भी लागू होगा, अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसी के आधार पे होगा, ये किसी एमएलए मिनिस्टर का कहने से होगा ऐसे नहीं है। तो इसलिए हमारा मिसिमी समाज को मैं यही कहूँगा कि आप लोग गलत प्रेमी में किसी का कहने से हाँ मोपी ऐसे किया होगा ऐसे कभी भी नहीं सोचना, ये फैसला अरुणाचल गवर्नमेंट का है और एनएसपीसी का साथ एग्रीमेंट ये हुआ है। आप अभी सोचिए, मोर देन 800 करोड़ आप लोगों का लोअर दिबांग वैली प्रोजेक्ट में 800 करोड़ एबव बता है, उसको आप लोग अच्छा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ इटालियन में कितना करोड़ और आएगा उसको आप लोग अच्छा से इस्तेमाल करेंगे तो कैसे दिबांग वैली डेवलप नहीं होगा।
तो इसलिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक ही शीश हम लोग को करना बाकी है, अभी बहुत अच्छा हो गया। बाहर का आदमी बहुत आएगा, उसको हम कैसे नमस्कार, हॉस्पिटलिटी, और मैं स्पेशली दिबांग वैली युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाहर से कोई टूरिस्ट आके रास्ता में गाड़ी खराब हो जाता है, आप भी उसको मदद करना है। कोई भूखा प्यासा है उसको आप खाना खिलाना है, तब तो जाके मिसिमी का नाम यूपी बिहार दिल्ली पोरेन तक जाएगा। ईदू लुक ऐसा अच्छा आदमी है, मेरा गाड़ी खराब था इन लोगों ने रिपेयर करवाया, हम लोग भूखा प्यासा था हम लोग को खाना खिलाया। ये सारा आजकल फेसबुक में व्हाट्सएप में इंटरनेट में भेजेंगे तो मिसिमी का नाम अच्छा होगा। वैसे आप लोग को नरेंद्र मोदी साहब ने इतना हिंदुस्तान में फेमस करके रखा है रुक्मिणी का वजह से। जब नरेंद्र मोदी साहब चीफ मिनिस्टर था, यहाँ से डेलीगेट बुला के गुजरात में डांस प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, और विस्मोक नगर और गुजरात का रिश्ता आज बना दिया, और लास्ट ईयर टू एंटायर नॉर्थ ईस्ट से डेलीगेट ला के वो फेस्टिवल भी करवाया है। रुक्मिणी का वजह से आप लोग बहुत फेमस है। पार्लियामेंट में भी जब भी बात करता हूँ, कृष्ण हम लोगों का जीजाजी है, मैं मजाक कर देता हूँ, क्यों तो मैं कहानी बता देता हूँ। तो इसलिए आप भगवान से जुड़ा हुआ समाज है, और इस जगह को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे डेवलप हो, ये पेमा खांडू साहब का दिल दिमाग में पूरा है। और मैं तो बाकी एमएलए लोगों का साथ भी मैं सहसा करता हूँ। मोपी मिहू तो एक मैनेजमेंट गुरु है, मिनिस्टर से भी हाथ जुड़ने में उसका एक अच्छा कला है, उसका बात मिनिस्टर सुन जाता है, और इसका काम करने का थर्ड तरीका, इतना अच्छा एक एमएलए आप लोगों को मिला इतना साल के बाद, मौका बार बार नहीं आता है। तो इसलिए जो हमारा विरोध है उसको भी आप लोग भी समझा देना। नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट से लेके चंद्रमा तक चंद्रयान को पहुंचा दिया है, आपका टॉयलेट बना दिया, आपको फ्री राइस दिया, आपको फ्री वैक्सीन दिया, अभी घर बना के दे रहा है, हर घर में पानी दे रहा है, टेलीकम्युनिकेशन अभी आना बाकी है, एयरटेल अभी टावर लगा रहा है, और हमको क्या चाहिए। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने आप लोगों को बताया कि 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, जितना बीपीएल है 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस काल से लेके अक्टूबर 2 तारीख तक हमारा बात सुनने वाला नौजवान यहाँ जितना उपस्थित है, बीपीएल कार्ड होल्डर जितना है, आयुष्मान भारत कार्ड बनाना वो 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, जितना एपीएल है, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना वो कार्ड बनाना है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में, दिल्ली में अरुणाचल से कोई आके टेलीफोन करता है, गांव साहब मैं दिल्ली पहुँचा हूँ, आजकल डरने लगा है अपना दोस्त को भी, क्या हो गया बोलने से, कैंसर पेशेंट लाया, किडनी प्रॉब्लम वाला को लाया, ब्रेन ट्यूमर वाला को लाया हूँ, ऐसे डेंजर डेंजर बीमारी को लाके हम लोग को रिक्वेस्ट करता हो तो करता है, तो हम लोग कितना दे पाता है, 10,000 20,000, उससे तो कैंसर का इलाज नहीं होगा। अगर आप आयुष्मान भारत कार्ड बनाया तो मोर देन 3,000 हॉस्पिटल हिंदुस्तान में कहीं भी जाके आप इलाज करवा सकता है। 5 लाख खर्चा होने का बाद ही आप अपना परिवार से पैसा मांग सकता है। सीएमए कार्ड बनाया तो हिंदुस्तान में 70-80 हॉस्पिटल में आप फ्री में इलाज कर सकता है, अरुणाचल गवर्नमेंट पैसा देगा, प्राइम मिनिस्टर पैसा देगा। तो इसलिए आज के बाद
हमारा दिबांग वैली में कोई ऐसा फैमिली नहीं होना चाहिए जो आयुष्मान भारत का कार्ड बीपीएल और एपीएल है तो सीएमए कार्ड नहीं बना के कोई नहीं रहना, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है।